पारुल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का वीडियो इज़ अबाउट द टाइम टेबल विच आई फॉलोड वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। आई नो आई शुड हैव पुट अप दिस वीडियो अ लॉन्ग टाइम बैक। आई एम रियली सॉरी फॉर डिलेइंग इट फॉर सो लॉन्ग। तो मूविंग ऑन टू द वीडियो, वीडियो इज डिवाइडेड इन टू सेक्शंस। मतलब जब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, जब रेगुलर क्लासेस चलती थी, तब आई यूज टू फॉलो अ वेरी डिफरेंट टाइम टेबल फ्रॉम द वन विच आई फॉलोड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। तो जब क्लासेस चल रही थी तो हमारी क्लासेस होती थी फ्रॉम 6:45 टिल 1। तो 1 बजे हम लोग वापस हॉस्टल आ जाते थे। आई यूज टू हैव माई लंच फ्रॉम 1 to 2 एंड देन फ्रॉम 2 to 3 आई यूज टू गेट फ्रेशन अप एंड आई यूज टू स्लीप उस 1 घंटे में। और 3 बजे उठने के बाद मैं पढ़ती थी 5 बजे तक। और इस स्लॉट में मैं ट्राई करती थी जो भी आज क्लास में पढ़ाया गया है वो रूम पे आके सारा दोबारा रिवाइज कर लूँ। जो भी चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई हैं वो सारी दोबारा पढ़ती थी, और जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस खुद से एक बार दोबारा करती थी। जो क्वेश्चन मुझसे क्लास में नहीं होते थे एक बार में, वो मैं ट्राई करती थी कि रूम पे आके तो मुझसे हो ही जाए, और अगर फिर भी नहीं होते थे तो उनको मैं मार्क कर लेती थी ताकि रिविजन के टाइम पे मैं उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि वो मुझसे एक बार में सॉल्व नहीं हुए थे। और जो 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 क्वेश्चन जो सवाल एक बार में सॉल्व हो जाते हैं वो सेकंड टाइम भी हो जाते हैं यूजुअली सॉल्व। यूज टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम 5 till 6। 6 से 8 वाले स्लॉट में मैं होमवर्क करती थी अपना, जो भी आज होमवर्क दिया होता था। एक्चुअली मैं ट्राई करती थी कि मैं अपना होमवर्क क्लास में ही कर लूँ, अगर कम होमवर्क मिला है तो वो मैं क्लास में ही कर लेती थी। ये चीज़ 11th 12th में नहीं हो पाती है, क्योंकि तब सब कुछ नया होता है, तब इतनी जल्दी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बट और क्लास में फोकस करना भी ज़रूरी होता है इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप। तो क्लास में काफ़ी चीज़ें आती हैं ऑलरेडी, मैं ये नहीं बोल रही कि सब कुछ आता है, सब कुछ नहीं आता तभी सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब काफ़ी चीज़ें आती हैं। पर जैसे कि कोई चैप्टर है जो आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग है जाएगा, अगर नहीं भी सुना तो ट्राई करो कि उस लेक्चर में अपना होमवर्क कर लो, या कुछ भी पेंडिंग होमवर्क है या पेंडिंग मॉड्यूल्स हैं वो सॉल्व कर लो। अगर मैं होमवर्क क्लास में ही कर आई हूँ तो उस स्लॉट में मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक की और बायोलॉजी की। यूजुअली बायो की ही एनसीईआरटी पढ़ती थी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पे उतना फोकस नहीं किया, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की भी पढ़ी है। 8 से 9 दोबारा ब्रेक लेती थी एंड फ्रॉम 9 till 10:30 या फिर 11 तक पढ़ती थी, और फिर 11 बजे आई यूज टू गो बैक टू स्लीप। उस वाले स्लॉट में जो भी मेरा अपकमिंग टेस्ट होता था मैं उसका सिलेबस रिवाइज करती थी। अगर टेस्ट नहीं है, मतलब टेस्ट मेरा लास्ट संडे ही हुआ है और अभी ये वाला हफ्ता बिल्कुल फ्री है, तो मैं जो भी मेरा बैकलॉग है या जो भी मेरा वीक पोर्शन है वो वाला पोर्शन रिवाइज करती थी। और अगर अगले 1 हफ्ते में, अगले 2 हफ्ते में मेरा टेस्ट है तो टेस्ट में जो भी पोर्शन आता था वो वाला सिलेबस रिवाइज करती थी डिनर के बाद वाले स्लॉट में। तो अब आते हैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वाले टाइम टेबल पे। तो मैं कभी जल्दी नहीं उठ पाती थी, आई कैन स्लीप एट 4 बट आई कांट वेक अप एट 4। तो मैं यूजुअली 8 बजे या 8:30 बजे उठती थी और 9 बजे तक फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके 9 बजे पढ़ने बैठ जाती थी टिल 12:30, और 12:30 से 1:30 ब्रेक लेती थी एंड फ्रॉम 1:30 to 4:30 पढ़ती थी। और फिर यूजुअली ट्राई करती थी कि मैं 3 घंटे के स्लॉट्स एक साथ पढ़ूँ, बट वो नहीं हो पाता था बिकॉज इतनी लंबी सिटिंग नहीं दी जाती थी। अब 3-3 घंटे के स्लॉट्स हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि उन 3 घंटे के स्लॉट में मैं एक बार भी अपने टेबल से नहीं उठी या मैंने एक बार भी फ़ोन नहीं चलाया, ऐसा नहीं है, इट्स वेरी अननेचुरल। मतलब उन 3 घंटे के स्लॉट में बीच बीच में 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक हो ही जाता था। जब भी मुझे एग्जॉस्टेड या थका हुआ लगता था तो मैं अपना फ़ोन यूज़ कर लेती थी बीच में से। आई यूज़ टू टेक अ ब्रेक टिल 6, और इस ब्रेक मतलब हम क्लास जाते नहीं थे क्योंकि सिलेबस पूरा हो गया था, तो पूरा दिन हॉस्टल में रहते थे, तो पूरा दिन हॉस्टल में रहना और पढ़ना बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है। इसलिए अपने आप को फ्रेश करने के लिए थोड़ा बाहर घूम के आते थे, थोड़ा बाहर वॉक करके आते थे पार्क वगैरह में या फिर कहीं भी आसपास वॉक कर लेते थे। हो पाता था तो एक दूसरे से ही क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर लेते थे, क्योंकि अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग वाले टाइम पर जो अभी गलतियाँ पकड़ी जाती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। और फिर 6 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ते थे, और फिर 8 से 9 अगेन ब्रेक लेते थे, और फिर 9 से लेके जितना भी 2-3 बजे तक जितना भी हो पाता था इंक्लूडिंग ब्रेक, बीच बीच में जब भी एग्जॉस्टेड फील होता था तो हम लोग बीच बीच में ब्रेक ले लेते थे। और अगर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता था तो क्रॉस क्वेश्चनिंग ही करते थे उस टाइम, ताकि पढ़ाई भी हो जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो और मतलब कुछ प्रोडक्टिव हो जाए। मेरा आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप दिस वीडियो टर्न्स आउट टू बी हेल्पफुल टू यू ऑल। That's it. I'll meet you guys in the next one.